एक दो साल के मासूम बच्चे के अचानक गायब हो जाने का सबब उसके ही माता पिता रेणुका और गौरव धुलका। पुलिस का मानना है कि दोनों ने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसी वारदात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, रूह तक कांप उठेगी आपकी। माता पिता ने किया अपने ही संतान का वध, देखते रहिए। धैर्य रखिए कावेरी जी, आपकी समस्या में कोई नहीं समझ सकता। सोचिए, मैं अवि की मासी हूँ और मेरा ये हाल है तो फिर रेनू वो तो उसकी माँ है, अभी उसकी जान था, और ये पुलिस वाले उसको उसके बच्चे का कातिल बता रहे हैं। देखिए कावेरी जी, अभी अब तक गुम है, लापता है, और जब तक वो मिल नहीं जाता, ठोस रूप से कहा नहीं जा सकता कि ये केस हत्या का है। रेनू का अपनी जान दे देगी, लेकिन अभी पे आज तक नहीं आने देगी वो। एक बार प्लीज मेरे कहने पे उनसे मिल तो लीजिए, प्लीज केडी साहब। फिर आगे आप जो भी डिसाइड करें वो आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज एक बार। तो मुझे रेनू की चिंता होने लगी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है इसने, दिन रात बस अभी के खिलौने से बातें करती रहती। क्या हुआ, क्या था गौरव? हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अपने दोस्त के कहने पर मैं एक तांत्रिक से मिलने गया और फिर प्रकोप है इसको, वो भी 19 सालों तक रहेगा। 19 साल? बाबा तब तक तो मैं, बाबा पिछले 2 सालों मेरे 4 बिजनेस ठप पड़ चुके हैं, बैंक का कर्ज, दुकान गिरवी, बाबा लोगों से धोखा, हर टोना हर टोटका कर चुका हूँ मैं। मार्केश के महाप्रकोप के आगे तेरे ये सारे टोने टोटके व्यर्थ हैं। तू कितना भी टोना टोटका कर ले, अंगूठी पहन ले, वो काम नहीं आएगी। बाबा पहेलियां मत बुझाइए, बोलिए, ऐसी जिंदगी से मुक्त होने के लिए मैं मौत का भी सामना कर सकता हूं। अच्छा, तेरा बहुत बहुत थैंक्स इस बाबा के पास लाने के लिए। बस नीतीश, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। रेनू, आराम से, कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा है। वैसे गौरव त्रिशूनी बाबा ने क्या कहा? ये फ्रिज का पानी इतना गर्म क्यों है? मकान मालिक ने बिजली काट दी थी रेंट ना देने की वजह से, इतनी मिन्नतें की तब जाके बिजली चालू की, और बैंक वाले भी आए थे, कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे थे। गौरव प्लीज जल्दी कुछ करो, पापा ने कोई हल बताया क्या? बोलो ना गौरव। हाँ बताया, सुनना चाहोगी, सुन सकोगी तुम? बीवी जी, वो मैंने बर्तन वगैरह सब कर लिए हैं, अब मैं चलती हूँ। गौरव अब तो बताओ, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि हमारी हर परेशानी हर मुसीबत की वजह
अभी है। तेरी समस्या का सबसे बड़ा कारण तेरी अपनी संतान है, उसका अंत ही। तेरे जीवन में नया प्रकाश, नई खुशियां लेकर आएगा। तू मेरा बच्चा, किसी बाबा बाबू के पास नहीं जाना। मेरे बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो जान ले लूंगी। अब शायद एक ही रास्ता बचा है। येऊर जंगल की पहाड़ी पर कुशम्मा का मंदिर है, कहते हैं वहां हर मन्नत पूरी होती है। इस जंगल में तो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो मंदिर भी आ ही गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनिए, अभी बहुत थक गया है, देखिए ना कितना रो रहा है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं पूजा की तैयारी करके आती हूँ। मैं इसको यहीं लेके रुकता हूँ, तुम जाओ अंदर, बैग दे दो मुझे। हेलो, हाँ अजय जी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। नहीं नहीं, मैं लोन चुका दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, हेलो 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 हेलो, एक मिनट, फोन आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ सर मैं लोन चुका दूंगा सर, मैं आके मिलता हूँ आपसे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज सर प्लीज, मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए सर, सर प्लीज प्लीज। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मेरे को पता नहीं, मैं अभि को यहाँ पे बैठा के गया था। अभि अभि कहाँ? अभि 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 सर, सर हमारा बच्चा, सर सर प्लीज सर, सर वो हमारे बच्चे को उठा के ले गए सर, प्लीज जल्दी चलिए सर। हम कुशम्मा के मंदिर गए थे, वहां से वो तेंदुआ उठा के लेंगे हमारे बच्चे को सर, प्लीज सर कुछ कीजिए सर, आप चलिए सर प्लीज प्लीज। सर मैंने अभी को यहाँ पे बैठाया था और पता नहीं, सर सर यहाँ तेंदुआ के निशान है सर। तेंदुआई थे, नहीं मारा अपने बेटे को, नहीं मारा आपने अपने बेटे को। पढ़ ली चार्जशीट, अभी भी लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे को नहीं मारा।
हाँ राठौर, चार्जशीट पढ़ने के बाद मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया है कि रेणुका और गौरव का उपनिधि आवेदन पत्र मुझे तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। क्या उपनिधि आवेदन पत्र? केडी, मुझसे ना हिंदी में बात किया करो। हिंदी में ही बोल रहा था राठौर, कोई नहीं, तुम्हारी भाषा में बोल देता हूँ। रेणुका और गौरव का बेल एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ कोर्ट में। सर, माना कि पुलिस फाइंडिंग्स में लूपहोल्स मिले हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव केस है सर। आई नो अधीरा, इसी कारण मैं इस केस से जुड़ा हूँ। इस केस से जुड़ने का कारण केवल इस केस के तथ्य और सबूत नहीं, मेरी भावनाएं भी है। अंडरस्टैंड, अगर रेणुका जी और गौरव जी निर्दोष है, तत्पश्चात भी अदालत उन्हें दंड देता है तो लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा, और अगर वो दोषी हैं और दंड पाते हैं तो लोगों का मानवता पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे में क्या करूं मैं, इस केस से मुंह मोड़ लूं? मैं नहीं कर सकता ऐसा, एक वकील हूं, अपने कर्तव्य से कैसे मुंह मोड़ूं? सत्य की खोज तो मुझे करनी ही पड़ेगी। राठौड़ जी, क्या कहना चाहेंगे आपके इसके बारे में? राठौड़ जी, क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया? कहाँ है उनका बच्चा? देखिए, मेरी बात सुनिए, बच्चे की तलाश जारी है। उसके माँ बाप और उनके साथ जो तांत्रिक था, उन सबको हमने हिरासत में ले लिया। लोगों ने बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है, इसलिए इनको कोर्ट लेके जा रहे हैं। कोर्ट का टाइम हो रहा है, चलो चलो, चलिए चलो बाबा, चलिए उतरिए। ए, नाटक बंद कर, चल ये बाबा। सर, ये तो मर गया साहब, उन्होंने हमला किया था इन पे। एक काम करो, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तांत्रिक त्रिशूल, 2 साल के मास्टर अविनाश जुल्का के मर्डर केस का इकलौता और सबसे बड़ा गवाह। वो इकलौता ऐसा इंसान था जो हमें ये बता सकता था कि 14 जून की सुबह 5:15 बजे कैसे कटघरे में खड़े यही मिस्टर एंड मिसेस जुल्का ने एक तांत्रिक के कहने पर मिलके अपने इकलौते बच्चे की बलि चढ़ा दी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, बच्चा लापता है, उसका मृत शरीर अभी तक पाया नहीं गया। बलि चढ़ने की या हत्या होने की कोई संकेत नहीं, इसी कारण पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा बिना किसी प्रमाण के मेरे मोक्किल पर ये आरोप नहीं लगा सकते। सस्टेन। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चा लापता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि मियां बीवी ने उस तांत्रिक त्रिशूनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कांड रचा है और वो इनके खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन 5 दिन पहले मिस्टर जुल्का ने उस पर पुलिस वैन में वार कर दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कम से कम आप इसे तो मर्डर मानेंगे, या आप भी ऑब्जेक्ट करेंगे मिस्टर पाठक? बिल्कुल करूंगा मैम, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्योंकि योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तांत्रिक त्रिशूनी की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई, दिल का दौरा पड़ने के कारण। उस पर घातक वार के कोई निशान नहीं। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, तांत्रिक त्रिशूनी की मृत्यु का उत्तरदायी कोई और ही है, जो इस कपाल से स्पष्ट होता है योर ऑनर, जिसे पुलिस ने तांत्रिक के पास उनकी आवश्यकता समझकर छोड़ दिया था। इस कपाल को वो एक कटोरा स्वरूप में उपयोग करते थे। ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि योर ऑनर, इस कपाल के फोरेंसिक जांच से ये पाया गया है कि इस कपाल पर पोटेशियम युक्त एक रसायन की परत चढ़ाई गई, जिसके शरीर में जाते ही हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, और अगर उस व्यक्ति का हृदय पहले से ही कमजोर रहा हो तो दिल का दौरा पड़ना निश्चित है। क्या मिस वर्मा, आपको इसके बारे में पता था? Yes, Your Honor, मुझे पूरी तरह से पता था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये भी मिस्टर एंड मिसेस जुल्का की एक चाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा
तांत्रिक की मौत से सिर्फ इन्हीं को हो सकता है। नहीं, फायदा हो या ना हो प्रोसिक्यूटर साहिबा, देखिए क्या होता है, मंजिल का ज्ञान होने से व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, यात्रा करना भी आवश्यक है। योर ऑनर, मानता हूं कि तांत्रिक को मारने में इनका कोई निजी लाभ रहा होगा, लेकिन इसका ये अर्थ कतई ही नहीं होता कि इन्होंने तांत्रिक को मारा है। Above all this, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो बच्चा जो इस केस की वजह है, उसके बारे में आपकी क्या फाइंडिंग्स है? Your Honor, फाइंडिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है योर ऑनर। लकीली मरने से पहले तांत्रिक त्रिशूनी ने पुलिस को एक साइंड कन्फेशन दे दिया था, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये कन्फेस किया कि मिस्टर गौरव चुलका ने अपनी डूबती हुई किस्मत को उभारने के लिए तांत्रिक से एक बहुत ही सिंपल सुझाव मांगा है। बाबा, पिछले 2 सालों मेरे 4 बिजनेस ठप पड़ चुके हैं। तेरी समस्या का सबसे बड़ा कारण तेरी अपनी संतान है, उसका अंत ही तेरे जीवन में नया प्रकाश, नई खुशियां लेकर आएगा। जो उन्होंने मान लिया योर ऑनर, ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो उल्टा वहां से गुस्से में उठ के चला आया था। आप चाहे तो मेरे दोस्त नीतीश से पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ वहां था। जी मैं वहां था, मगर सर सच तो ये है कि गौरव उस तांत्रिक की बातों में आ गया था। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, मगर गौरव डेस्परेट हो गया था। उसने मुझसे बोला कि वो रेणुका को मनाकर। अरे क्या कह रहे हैं तू, पागल हो गया क्या तू? क्यों फंसा रहा है मुझे? वाइट मिस्टर गौरव, आप अपनी बात रखिए। क्या बताऊं सर, उस दिन से मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि उस दिन मैं गौरव को तांत्रिक के पास क्यों लेकर गया। आज हमारा अभी हमारे बीच में जिंदा होता सर। योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहिबा को कोई आपत्ति नहीं तो मैं तांत्रिक त्रिशूनी का कथन अदालत में पढ़ना चाहूंगा। शौक से। अमावस्या के दिन कुशम्मा के मंदिर दोपहर होने से पहले काले पत्थर पर लाल चादर चढ़ाकर कुशम्मा का जाप करते हुए मैंने उसे शिशु का बलिदान चढ़ाने को कहा। बलि चढ़ाने की सामग्री मैंने गौरव को दे दी थी, जिसमें कपाल, विभूति, नींबू, सिंदूर। Exactly, Your Honor, and thank you, Mr. Pathak, क्योंकि आज ये सारी सामग्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सिंदूर, विभूति, अगरबत्ती, और वो सब पाई गई है एग्जिबिट बी में, जो है रेणुका जी का बैग। जी हाँ, ये सारी बलिदान देने की सामग्री पाई गई है रेणुका जी की बैग में, यानी कि उस गंडासे के सब कुछ इनके पास था। ये सब मेरे झोले में कैसे आ गया? मेरे झोले में तो सिर्फ अभी की चीजें थी और पूजा का सामान था। ओह कम ऑन रेणुका जी, पूजा की सामग्री नहीं रेणुका, बलिदान का सामान। इसलिए अब ये अच्छी बेचारी लाचार माँ का नाटक छोड़ दो, क्योंकि आप भी अपने पति के साथ इस घिनौने कांड में शामिल थी। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपको आपत्ति न हो तो मैं आगे पढ़ लूं ये पत्र। आगे पढ़ने से क्या होगा, हमें सिर्फ ये साबित करना है कि बच्चे की बलि चढ़ाई गई थी, यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर सारी सामग्री मौजूद है, सामने खड़ा उनका दोस्त कह रहा है कि उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए कहा था। दैट्स इट द केस इज शट। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या अंततः कहना क्या चाहती हैं कि इन्होंने अपने शिशु की हत्या की, उसकी बलि चढ़ाई, तो फिर शव कहाँ है? न कोई हत्या का चिन्ह, न कोई रक्त। मिस्टर पाठक, आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर था, वहाँ से उन्होंने शव को नीचे गहराई में फेंक दिया होगा, और वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर थे, कोई भी शव को उठा कर ले गया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा की थ्योरी है कि वहां से शव को नीचे गिराया होगा जंगलों में। अगर इनकी थ्योरी को क्षण भर के लिए भी सत्य मान लिया जाए तो फिर ये पूरा कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता मेरे मुक्ति को, क्योंकि तांत्रिक त्रिशूनी के कथन में आगे लिखा है, इफ यू डोंट माइंड मैं रीड इट विदाउट डिस्टर्बेंस, थैंक यू, कि सारी सामग्री बैग में रखी है, साथ में एक गंडासा भी दिया है, जिससे गर्दन पर एक तीव्र वार करना है और शव को उसी पत्थर के पूर्व दिशा में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है, तभी ये कार्य संपन्न होगा। पीपल का पेड़ तो मिला योर ऑनर, लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा से पूछना चाहूंगा कि क्या पीपल के पेड़ के नीचे शिशु का शव प्राप्त हुआ आपको? उस स्पॉट पे कुछ दफ नहीं योर ऑनर, वहां से कोई शव प्राप्त नहीं हुआ। सोचने वाली बात है कि अगर ये अपने शिशु के शव को बलि देकर वहां नहीं गाड़ते तो ये कार्य करने का कोई अर्थ ही नहीं था यार। जिसका ये अर्थ निकलता है कि इन्होंने अपने शिशु की बलि नहीं चढ़ाई, इन्होंने अपने शिशु की हत्या नहीं की है यार। सर मैं कह कहकर थक गया हूं कि वो एक
तेंदुआ ही था। आपने देखा मिस्टर झुलका, क्या आपने उस तेंदुए को अपनी आंखों से देखा? क्या आपने देखा उस तेंदुए को उस बच्चे के शरीर से उठाकर ले जाते? हरकतों से क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता था, कुत्ता हो सकता था, बिल्ली हो सकती थी। ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। फॉरेस्ट एनिमल सेंसस के मुताबिक योर के जंगलों में सिर्फ दो ही तेंदुए हैं, और उस दिन एक तेंदुआ वहां से कई किलोमीटर दूर कोसा गांव में था, तो ऑब्वियसली उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरा उसे ही हमने उस पहाड़ी पे देखा था। अनफॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर झुलका योर ऑनर, वो दूसरा तेंदुआ लंगड़ा है, और मिस्टर झुलका ने पुलिस डिपार्टमेंट को जो बग मार्क्स दिखाए थे वो लंगड़े तेंदुए के नहीं, दूसरे तेंदुए के थे जो उस दिन वहां मौजूद नहीं था। इसीलिए वो प्रिंट्स उस दिन के नहीं थे, एक दिन पुराने थे। और ये रही डिपार्टमेंट की रिपोर्ट उस मामले में। सो मिस्टर पाठक, ये तेंदुए वाली थ्योरी आउट ऑफ द विंडो। अब रही बात इन लोगों पर शक करने की, तो योर ऑनर इस बात को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इंस्पेक्टर राठौड़ को। इजाजत है जी। जब मैं मिस्टर और मिसेस झुलका के साथ पहाड़ी वाले मंदिर पर पहुंचा तो मैंने वहाँ पे तेंदुए के पैरों के निशान का पीछा किया और हम एक झरने तक पहुंचे। वहाँ पे मिला बच्चे के पैर का एक जूता और साथ में एक कैप जो कि मिस्टर झुलका का था। मुझे तभी लगा कि मिस्टर झुलका वहाँ पे जरूर आए थे, और मेरा शक भी तभी शुरू हुआ। वो पेन का कैप तब गिरा होगा जब मैं अभी को ढूंढने नीचे गया था। इंस्पेक्टर राठौर, कंफ्यूजन सा चल रहा है मेरे माइंड में। प्रोसिक्यूटर, अब एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। कंफ्यूजन ये है मेरे मन में राठौर साहब, कि प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही हैं कि जो बलि है वहाँ पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ ऊपर बलि चढ़ाई गई थी, आप कह रहे हैं कि शिशु को लेकर ये झरने के पास गए थे, जबकि तांत्रिक बाबा जो है उन्होंने जो कथन दिया है, कथन में ऐसा लिखा है कि बलि ऊपर चढ़ाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए। तो यही मेरी उलझन है राठौर साहब, प्लीज इसे सुलझाइए। मतलब ऊपर या नीचे? नीचे ऊपर, ऊपर क्या मतलब? क्या मिस्टर पाठक जी, आप शायद ये भूल रहे हैं, मैंने पहले भी ये कहा था, बच्चे की बलि ऊपर चढ़ाई गई मंदिर में और फिर उसके शव को नीचे लाया गया। एक मिनट, मैं तो मतलब ये आपकी बातों से पूरी तरह से बौखला गया। जो जो मंदिर था वो ऐसे उत्तर दिशा, और जो जो झरना था वो दक्षिण की ओर, और जिस मंदिर पर बलि चढ़ाई गई वो उत्तर की ओर टीले पर, और फिर वहाँ बलि चढ़ाकर इन्हें नीचे झरने में ले जाया गया, और फिर यहाँ से फिर ऊपर ले जाया गया। ये योर ऑनर इतना सारा घूम घुमा कर। मिस्टर पाठक, आप बेवजह इस केस को उलझा रहे हैं। तो आप प्लीज ये उलझन को सुलझा दीजिए ना। ठीक है मिस्टर पाठक, तो मैं इस बात को ही नहीं बल्कि योर ऑनर एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहती हूँ जो इस पूरे केस को सुलझा दे। मिस्टर एंड मिसेस झुलका के घर में काम करने वाली दाई संतो मौसी। इजाजत है। अगर हमें पता होता कि ये लोग उस मासूम के साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं तो हम उसे इन लोगों के हवाले नहीं करते। इनके हवाले से क्या मतलब? अभी इनकी अपनी औलाद नहीं है, उसे इन्होंने गोद लिया है। ये बात 2 साल पहले की है, जहां मैं पहले काम करती थी वहां पर अभी का जन्म हुआ था। उस समय उसकी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने बच्चे को हमें दे दिया, और हमने भलाई के चक्कर में आकर उसे इन बिन औलाद माँ बाप के हवाले कर दिया, बिना किसी लिखत पढ़त, केवल भरोसे पर। लेकिन इन्होंने उस भरोसे को। सो मिस्टर पाठक, क्या हुई आपकी वो दलील, वो दुहाई? आफ्टर ऑल वो इनका सगा नहीं, सौतेला था, और इसीलिए उसे मारने में कोई भी संकोच महसूस नहीं, और सौतेले के साथ सौतेला बर्ताव किया इन्होंने। योर ऑनर, तांत्रिक त्रिशूनी की मृत्यु और मास्टर अविनाश के गुमशुदा होने के सबूत जब तक नहीं मिलते ये कोर्ट अर्जन की जाती है। बच्चा सौतेला निकला, जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं इन दरिंदे माँ बाप ने इसी बलिदान के लिए बच्चे को गोद लिया था। सच की सुई कानून की उंगली रेणुका और गौरव झुलका पर, देखते रहिए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अभी को आपने गोद लिया है? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैंने अभी को अपनी कोख से जन्माया नहीं,
इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ तो माँ होती है ना, हम सिर्फ मेरी मेरी औलाद है। अभी की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं वो निभा नहीं पाई। मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये केस छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन हमें जो सजा देना चाहती है देने दीजिए। थैंक यू मिस्टर पाठक। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज एक मेरा काम कर दीजिए, अपने बैंक के किसी कर्मचारी को कहिए उस एप्लीकेशन की स्कैन करके मुझे ईमेल कर दे। जी थैंक यू। अदीरा, एक कड़ी है जो इस केस में हमारी सहायता कर सकती है, वो संतो मसीह है। उससे पता लगाओ कि अभी की असली माँ कौन है। पता लगा लिया है सब। रियली? क्या बात है, मेरे सोचने से पहले तुमने काम कर भी दिया। वेल डन। ये है एड्रेस और फोन नंबर। नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ आ रहा है, एड्रेस पर जाकर मैं इनसे खुद मिल लूंगी। थैंक्स, थैंक्स सो मच। थैंक यू सर। खाई छान मारी, बच्चा कहीं नहीं मिला। या? सर, मालिनी खन्ना यहाँ से 4 साल पहले शिफ्ट हो चुकी है। मुझे उसका असली एड्रेस मिल गया है, वाशी में। I'll just look into it. All the best for the case, sir. ठीक है, थैंक्स। उससे संपर्क होते ही मुझे फोन करना। तो नितेश जी, योर ऑनर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर पाठक नितेश को दोबारा कटघरे में बुलाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो ये भूल रहे हैं कि ये केस कहीं और आकर रुका है, नितेश पर नहीं बल्कि अविनाश के अडॉप्शन। कृपया मुझे बताइए प्रोसिक्यूटर साहिबा कि अविनाश को गोद लिया था या नहीं, उस बात का इस केस से क्या लेना देना। What do you mean, क्या लेना देना है मिस्टर पाठक? It's so damn simple. वो उनका असली बेटा नहीं था, सौतेला था, इसलिए उसे मारने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आश्चर्यचकित हूँ मैं कि आप एक भारतीय नारी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आप तो जानती ही होंगी कि हमारे देश में पालने वाली माँ का दर्जा जन्म देने वाले माँ से कहीं ऊंचा होता है। कृष्ण जी के साथ देवकी जी का नहीं, यशोदा मैया का नाम लिया जाता है। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपना कार्य कर लूँ। जी मालिनी मैम तो चली गई। कहाँ गई? एयरपोर्ट। वो आज शाम की फ्लाइट से हमेशा के लिए अमरीका जा रही हैं। ओके, एक ग्लास पानी मिल सकता है प्लीज? जी मैं अभी लेकर आती हूँ। नितेश जी, इन व्यक्ति जरा प्लीज खड़े हो जाइए। इन्हें जानते हैं आप, पहचानते हैं? नहीं। नहीं? कौन है ये? मैं बताता हूँ, बैठिए। ये घनश्याम जी हैं, तेली गली में इनकी रद्दी की दुकान है। तेली गली जहाँ तांत्रिक त्रिशुनी भी रहते हैं वहीं पर। तो? तो ये कि इन्होंने पुलिस के सामने कथन दिया है कि इन्होंने उस दिन आपको तांत्रिक त्रिशुनी के साथ कुछ रुपयों पैसों पर बहस करते हुए सुना था। वो पैसे जो गौरव जी दिए बिना वहाँ से चले गए थे, तांत्रिक साहब की फीस जो फिर तांत्रिक साहब आपसे वसूल करना चाह रहे थे लेकिन आप दे नहीं रहे थे। पर इससे मेरी गवाही का क्या? इससे आपकी गवाही का ये मतलब है, अर्थ इसका ये निकलता है कि जब तांत्रिक साहब ने गौरव जी को ये सुझाव दिया कि अगर इन्हें अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है तो इन्हें अपने शिशु की हत्या करनी होगी, अपने शिशु की बलि देनी होगी, तो
तो यह सुझाव इन्होंने नहीं लिया। क्रोधित होकर ये वहां से निकल गए बिना तांत्रिक के फीस दिए, इसीलिए वो फीस तांत्रिक आपसे वसूल करना चाह रहे थे। लेकिन सर मैं हाँ, आप ही जिन्हें सबसे ज्यादा लाभ हो रहा था गौरव जी के नुकसान से। अब देखिए ना, जो दुकान गौरव जी की गिरवी पड़ी हुई बैंक में, वो आप छुड़वाना चाह रहे थे, आप उसे खरीदना चाह रहे थे। जिस मकान में ये रहते हैं, आप उसके नए किराएदार हैं योर ऑनर। ये रहा इनका और मकान मालिक का बनाया हुआ अग्रीमेंट। तो कुल मिला के नीतीश जी, बात यह है कि आप बताते हैं गौरव जी को अपना मित्र, लेकिन हैं उनके दुश्मन, इसीलिए झूठा कथन देकर आपने उन्हें इस केस में फंसाया। रेणुका, मैं और गौरव एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, मगर रेणुका से शादी मैं करना चाहता था, लेकिन इसीलिए योर ऑनर, नितेश जी ने इस अदालत में ऐसा कथन दिया कि रेणुका जी बच जाए और गौरव जी को फांसी हो जाए और इनका रास्ता खुल जाए। सर, दाई को घर साफ करते वक्त बिस्तर के नीचे से ये झुनझुना मिला। साहब, जिस दिन वो दोनों मंदिर में बच्चे को लेके गए थे, बच्चे के हाथ में यही झुनझुना था। घर में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। सावन, पूरे घर की तलाशी लो। सर, ये सच है कि मैं गौरव से जलता हूँ, मगर अभी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सावन, सर सबको लेके आंगन में आ। सावन, सर खोदो इस जगह को। साहब, कुछ मिला है? कावेरी जी, अभी का ये झूला जिसमें से पुलिस को ये सारी सामग्री मिली, रेणुका जी का कहना है कि उस दिन आप ही ने ये झूला पैक किया था। हाँ, पैक तो मैंने ही पैक किया था, पर उस पे मैंने सिर्फ अभी की चीजें और पूजा की सामग्री डाली थी, ना कि ये सब। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने अभी को? अभी का पता चल गया। अभी का पता चल गया। मिस्टर जुल्का के घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास जमीन से 3 फीट नीचे हमें कुछ मिला है। अभी सावन, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अभी देयर यू गो मिस्टर पाठक, इतनी देर से आप चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे ना कि जब तक बच्चे का पता नहीं चलता तब तक हम इस केस को मर्डर नहीं कह सकते। सबूत आपके सामने, अब भी आप इन दो मक्कार लोगों को मां बाप कहेंगे? या फिर कोई क्रेडिट मर्डर? Not guilty, Your Honor. Mr. Pathak, आप इतने खतरनाक evidence के बाद भी अपने client का पक्ष ले रहे हैं? जी Your Honor, क्योंकि मैं अभी मानता हूँ कि इसमें गौरव जी और रेणुका जी का कोई हाथ नहीं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं मौसी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है?
संतोमो से आपने मेरी सहायिका अधीरा को एक नंबर और एक पता दिया था जी। हाँ। अभी की असली माँ मालिनी खन्ना का। अभी की असली माँ मालिनी खन्ना जी का नंबर आपने दिया था, लेकिन वो नंबर और पता जो आपने दिया था दोनों गलत है। गलत? लेकिन मेरे पास तो वही थे, शायद बदल गए होंगे। शायद बदल गए होंगे तो आपने पुराना नंबर और पता क्यों दिया, नया नंबर और पता क्यों नहीं दिया? मेरे पास नहीं थे। तो नया नंबर आपके पास मालिनी जी का था नहीं, तो ये देखिए आपके फोन का रिकॉर्ड है, कितनी बार आपने मालिनी जी को नए नंबर पे फोन किया, फिर आपने हमें नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने ये सोचा कि अगर मैं केडी पाठक और उनकी सहायिका को थोड़ा यहाँ वहाँ घुमा दूँ तो उनका समय व्यर्थ हो जाएगा और इसी समय में मालिनी जी हवाई जहाज में बैठकर देश छोड़कर बाहर चली जाएंगी, ऐसा सोचा था ना आपने? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? नहीं, आप क्यों ऐसा करेंगी, मैं चाहता हूँ कि आप ये अदालत को बताएं। योर ऑनर, ये बेतुका सा सवाल अगर मिस्टर पाठक ने किया है तो मेरे हिसाब से जवाब भी इन्हीं से सुन लेना चाहिए। आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ। योर ऑनर, हमसे संतो मौसी ने ये नंबर छिपाया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हम मालिनी जी तक पहुँचे, क्योंकि ऐसा होने से अभी का रहस्य खुल जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक जी, किस रहस्य की बात कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ मिस वर्मा, बता रहा हूँ। वैसे भी कोर्ट शेष होने में समय नहीं बचा, प्लीज मेरा कार्य करने दें मुझे। योर ऑनर, मेरी सहायिका अधीरा जब मालिनी जी के घर पहुंची तो पता चला कि मालिनी जी निकल चुकी हैं हवाई अड्डे के लिए, कहीं यात्रा कर रही थी। सौभाग्यवश उनकी मेज पर पड़ा हुआ उनके हवाई टिकट का रसीद हमें मिला, जिससे पता चला योर ऑनर कि उनके साथ एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 2 साल की है वो भी यात्रा कर रहा है, संभवतः अभी। योर ऑनर, मेरा अभी उस औरत के पास है, कैसे? ये तो रेणुका जी वही बताएंगी जिनसे मैंने प्रश्न किया था। बताइए क्यों किया ऐसा आप? बस आप जब से मेरे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास कि ये सब मैंने किया है? बिना सबूत के केडी पाठक कभी कोई बात ही नहीं करता, सबूत भी दे देता हूँ। रेणुका जी, एक बार अपने बेटे को पुकारिए ना। अभी 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 योर ऑनर, अभी 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 ऑर्डर ऑर्डर। हाँ संतो मौसी, सबूत चाहिए था आपको, ये रहा आपका सबूत। अब मालिनी जी आकर यहाँ अपना कथन सुनाए, उससे पहले बता ही दीजिए जज को कि क्या क्या कांड किया है आपने। 2 साल पहले जब मालिनी जी ने अभी को जन्म दिया तो उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, उनका तलाक हो चुका था और वो बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने बच्चे को मुझे दे दिया और मैंने अभी को रेणुका को सौंप दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मालिनी जी ने मुझसे फिर से संपर्क किया, उन्हें अभी को खो देने का बहुत पश्चाताप हो रहा था, अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी और वो अभी को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर फिर से पाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये दोनों अभी को वापस नहीं देने वाले, इसलिए मैंने इनकी दुर्दशा देखकर ये खेल रचा। मालिनी जी से बच्चे की कीमत 1 करोड़ रुपया मांगी और उस तांत्रिक से मिलकर मैंने उसे लालच दिया कि वो किसी भी तरह से इनसे बच्चे को हथिया ले तो मैं उसे 20 लाख रुपया दूंगी। तांत्रिक ने मेरे कहने पर इनसे बच्चे की बलि की बात कही और फिर मैंने पहाड़ी के मंदिर में जाकर मौका पाते ही बच्चे को वहां से उठा लिया और रेणुका के झोले को बदल दिया। चलिए ये भी बता दीजिए कि तांत्रिक की हत्या कैसे की, क्या क्या लगाया उस त्रिशुनी? जब खुद फंसने वाला था तो वो मेरा नाम लेने वाला था, इसलिए जब मैं रेणुका से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो त्रिशुनी से भी मिली थी और तब मैंने चालाकी से त्रिशुनी के कपाल पर वो रसायन लगा दिया और आरोप योर ऑनर बेचारे गौरव और रेणुका पर लगा दिया। किंतु जब इन्हें लगा कि जब तक अभी का शव नहीं पाया जाएगा तब तक ये केस बंद नहीं होगा, तब इन्होंने अभी के कपड़ों पर रक्त लगा कर ये पूरा स्वांग रचा। योर ऑनर,
योर ऑनर, मुझे अब भी कुछ कहना है। जस्ट अ मिनट। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्या हुआ मिस्टर पाठक? जी योर ऑनर। व्हाट इज दिस? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ अदालत से। मौसी का ये जो नाटक था, इस पर से पर्दा हटाने के लिए मुझे छोटा सा खेल खेलना पड़ा, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे कहने पर अधीरा ने एयरपोर्ट पुलिस को आगाह कर दिया था, बहुत जल्द असली अभी भी अदालत में आनी है। मे आई कम इन योर ऑनर? रेनुका, इससे पहले हम मिले नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू और सॉरी दोनों कहना चाहती हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि औरत मुझे ऐसे मेरा अभी ला कर देगी। अगर पता होता तो मैं कभी अभी को वापस नहीं लेती। इसे जन्म जरूर मैंने दिया है, लेकिन इसकी असली मां तुम हो। अभी तुम्हारा है रेनुका। ये अदालत श्रीमती संतोष लूथरा को तांत्रिक त्रिशूनी के कत्ल और एक बच्चे के अपहरण के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। मिस्टर एंड मिसेस जुल्का को हर इल्जाम से बरी करते हुए बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। मिस्टर पार्क जी, आज जिंदगी में पहली बार किसी से हार कर भी एक सुकून सा महसूस हो रहा है। आपने एक टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ दिया। You did a brilliant job. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.